नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। अफगानिस्तान में बहुत जल्दी ही यानी 3 महीने के अंदर तालिबान की सरकार आ जाएगी और जो मौजूदा सरकार है उसे वो उखाड़ फेंकेगी और उसकी जगह पूरे प्रशासन को, पूरे सरकार को कब्जा कर लेगी। यानी अगले 3 महीने में यानी 90 दिनों में अफगानिस्तान में होगी तालिबान सरकार। ये कहना है अमेरिका की खुफिया अधिकारियों का, उनकी एजेंसियों का। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि अगले 30 दिनों के अंदर तालिबान राजधानी काबुल को शेष दुनिया से, शेष देश से काट कर अलग कर लेगा, उसे चारों तरफ से घेर लेगा, उसकी किलेबंदी कर देगा और 90 दिन के अंदर अफगानिस्तान की सरकार गिर जाएगी, तालिबान कब्जा कर लेगा और तालिबान की सरकार एक बार फिर अफगानिस्तान में कायम होगी। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, इस पर हम विचार कर सकते हैं, इसको हम एक बार एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। आज ही यानी गुरुवार को ही सुबह सुबह ये खबर आई कि तालिबान ने अफगानिस्तान के गजनी पर कब्जा कर लिया और ये 9वां प्रांत है, 9th state है अफगानिस्तान का जिस पर तालिबान का कब्जा हुआ है। इसके ठीक एक दिन पहले यानी कल, यानी 24 घंटा से भी कम समय में बदख्शान प्रांत पर कब्जा हुआ, उसके पहले और 3, 4, 5 ऐसे करके कब्जे होते चले गए और अफगानिस्तान के 34 राज्यों में से 9 राज्य तालिबान के कब्जे में है। तालिबान का कहना है कि लगभग 80-85% हिस्से पर उसका नियंत्रण है और निष्पक्ष व स्वतंत्र एजेंसियों का, सूत्रों का आकलन है कि अफगानिस्तान के कम से कम 2/3 हिस्से पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है और वहां पूरी तरह तालिबान का नियंत्रण कायम हो गया है। इसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर यही क्रम चलता रहा तो 3 महीने में अफगानिस्तान की सरकार गिर जाएगी, तालिबान वहां कब्जा हो जाएगा। आखिर इसका रास्ता क्या है, क्या किया जा सकता है? इसके बीच मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहूँगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आज के ही दिन तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले जो हथियारबंद गुटों के प्रमुख हैं, कमांडर्स हैं, जिनको अंग्रेजी में वार लॉर्ड कहा जाता है, मतलब ऐसे लोग जिनके पास हजारों की संख्या में एक गुट है, हथियार है, रसद सामग्री है और जो अपने इलाके में अपने लोगों को लेकर के बाहरी ताकतों से लड़ रहे हैं, इनको वार लॉर्ड कहते हैं। अफगानिस्तान में वार लॉर्ड की भूमिका बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही पुरानी है। जब रूस की सेना अफगानिस्तान पहुंची थी तो मुजाहिदों ने उसका विरोध किया था, वो भी वार लॉर्ड थे और उसके बाद जब तालिबान का वहां शासन कायम हो गया तो तालिबान के खिलाफ ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, इन कम्युनिटीज़ के लोगों ने गुट बनाकर उसका विरोध किया था, उसके वार लॉर्ड थे। उसमें 4-5 नाम तो बहुत बड़े नाम हैं, जैसे अब्दुल लतीफ दोस्तम हैं, अता मोहम्मद नूर हैं और कई नाम हैं। तो राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने एक दिन पहले लोगों से अपील की थी, अपने देश के लोगों से, कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर आ जाए। उन्होंने वार लॉर्ड से कहा था कि आप अफगान सरकार की मदद कीजिए और बुधवार को राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने 2 वार लॉर्ड्स अब्दुल रसीम दोस्तम और अत्ता मोहम्मद नूर से मुलाकात की है। ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। अब्दुल रसीम दोस्तम उज़्बेक मूल के हैं, उनके पास लगभग 25-30 हज़ार लड़ाकों का एक गुट है, एक समय में वो बहुत बड़े ताकतवर थे, बाद में उनको भागकर किसी और जगह जाना पड़ा, फिर वो तुर्की चले गए, पिछले हफ्ते वो तुर्की से लौट आए हैं और अब वो तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और अशरफ गनी ने उनसे मुलाकात की है। उनके बीच क्या बात हुई है ये भी पता नहीं चल पाया है। इतना तय है कि अफगान सरकार दोस्तम का इस्तेमाल करेगी तालिबान के खिलाफ। तो क्या तालिबान को रोक पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। एक रास्ता ये भी निकल सकता है कि अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत हो। इसमें एक दिलचस्प बात यह है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का, इमरान खान ने बुधवार को यानी कल ये कहा कि तालिबान तब तक
अफगान सरकार से बातचीत नहीं कर सकते हैं जब तक जब तक अशरफ गनी अपने पद पर बैठे हुए हैं। अशरफ गनी राष्ट्रपति हैं। अब मैं कोट करूं इमरान खान को, उन्होंने कहा कोट, 3-4 महीना पहले जब तालिबान के लड़ाके यहाँ आए थे तो मैंने उन्हें बहुत ही समझाया था कि वो बातचीत से किसी समस्या का समाधान करें, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि उसके पहले अफगान राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ये थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शब्द। इमरान खान पर और पाकिस्तान पर ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि तालिबान की कामयाबी के पीछे वो हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्ला ने बुधवार को एक ट्वीट किया, उन्होंने जो पहले से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था सैंक्शन पाकिस्तान, उसको उन्होंने रीट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये जोड़ा, उन्होंने विश्व कम्युनिटी से, वर्ल्ड कम्युनिटी से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए क्योंकि वो तालिबान जैसे आतंकवादी गुटों का समर्थन कर रहा है। इस तरह की बात दूसरे लोगों ने भी कही है और अब तो इमरान खान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो 3-4 महीने पहले तालिबान उनके यहाँ आए थे, तालिबान के नेताओं से उनकी बात हुई थी और उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की सरकार कितने दिन बची रहेगी, अशरफ गनी कितने दिन तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे और कब तक तालिबान लड़ता रहेगा और कब तक वो सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम इसका इंतजार करेंगे, हम इसको ट्रैक करेंगे, इसकी सारी खबरें आपको हम देते रहेंगे और तब तक आप देखते रहिए satyahindi.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारे मुफ्त ऐप को डाउनलोड करें जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो तब तक देखते रहिए satyahindi.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।